हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सर्कल चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट और थ्योरम नंबर 10.1 और 10.2 को कंप्लीट किया था। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.1 की कंप्लीट वन शॉट वीडियो लेके आए हैं। लेकिन जिन बच्चों ने सर्कल चैप्टर का लेक्चर नंबर 01 नहीं देखा, पहले उसको अच्छे से देख के आए, फिर इस वीडियो पे आए। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए एक्सरसाइज 10.1। 10.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो हमारे पास है, हाउ मैनी टेंजेंट सर्कल हैव। आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा क्वेश्चन, हाउ मैनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल के ऊपर हम कितने टेंजेंट बना सकते हैं? हमने ऑलरेडी स्टूडेंट्स पढ़ा हुआ है, एक सर्कल के ऊपर। सर्कल क्या होता है स्टूडेंट? सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, जो हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ के आए। सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट। जैसा कि हमें मालूम है, हर एक पॉइंट का अपना अपना टेंजेंट होगा। व्हाट इज टेंजेंट? अ लाइन व्हिच टचेस द सर्कल इज एक्जेक्टली एट वन पॉइंट। हर एक पॉइंट का अपना अपना क्या होगा स्टूडेंट्स? टेंजेंट होगा। तो हम लिख सकते हैं अ सर्कल हैव इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट। तो सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का हमारे पास, सर्कल हैव इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमने दो तीन नोट वहां पे और सीखे थे, हो मैनी पैरेलल टेंजेंट सर्कल है। आपको याद होगा एक सर्कल से हम कितने पैरेलल टेंजेंट, अगर आपको इस क्वेश्चन की जगह ये क्वेश्चन आ जाए, एक सर्कल से हम कितने पैरेलल टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ दो ही पैरेलल टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। अगर एक मैं यहाँ से टेंजेंट ड्रा करता हूँ और एक यहाँ से ड्रा करता हूँ, और ये जो दो टेंजेंट मैंने ड्रा किए स्टूडेंट्स इस सर्कल के ऊपर, आपको दिखे होंगे ये दोनों पैरेलल हैं, तो मैं ऐसा कोई टेंजेंट और ड्रा नहीं कर सकता हूँ जो इन दो टेंजेंट के पैरेलल हो। अगर मैं ऐसे ड्रा करूंगा टेंजेंट, तो ये टेंजेंट तो है लेकिन जब इंक्रीज करूंगा ये इसको टच कर जाएगा। तो अ सर्कल हैव ओनली टू पैरेलल टेंजेंट। अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि एक सर्कल में हम कितने पैरेलल टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए ओनली टू। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछा जाए एक सर्कल में कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए इनफाइनिटली मैनी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपको आ जाए हो मैनी टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल, हमने लेक्चर नंबर 01 में भी देखा था। अगर एक सपोज ये सर्कल है और ये सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से हम कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं? ओनली टू। एक तो ये टेंजेंट ये हो गया और एक तो टेंजेंट ये हो गया। तो सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से भी हम सिर्फ और सिर्फ दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। जो आपका क्वेश्चन था, हो मैनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव, एक सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं? हो मैनी टेंजेंट सर्कल हैव, आंसर इज इनफाइनेटली मैनी। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 10.1। आपकी स्क्रीन के ऊपर रहा है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन हमारे पास फिल इन दी ब्लैंक्स, और फर्स्ट ब्लैंक में हमें लिखा हुआ है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। जो टेंजेंट होता है सर्कल का, वो सर्कल को कितने पॉइंट पे टच करता है? हम सबको मालूम है, आपको भी मालूम है, वेरी गुड, आंसर इज वन। सर्कल जो हमारे पास जो टेंजेंट होता है सर्कल का स्टूडेंट्स, वो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके जाता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सेकेंड हमारे पास है स्टूडेंट्स अ लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल इन टू पॉइंट। ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे टच करके जाए, जैसे कि ये वाली लाइन हो गई, ये लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे टच करती है, और ऐसी लाइन को तो हम कहते हैं सीकेंट, सीकेंट, सीकेंट। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? सीकेंट। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमारे पास अ लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल इन डैश पॉइंट, या अ लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डैश। ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे टच करती है, ऐसी लाइन को हम कहते हैं सीकेंट। ठीक है जी, करते हैं पार्ट नंबर थर्ड। थर्ड में पूछा हुआ है अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। अभी अभी मैंने आपको बताया, पहले लेक्चर नंबर 01 में भी बताया था, एक सर्कल पे हम कितने पैरेलल टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं मैक्सिमम। तो एक सर्कल में हम ओनली और ओनली टू पैरेलल टेंजेंट हम ड्रा कर सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा टू। पार्ट नंबर फोर, पार्ट नंबर फोर्थ में स्टूडेंट्स दिया हुआ है द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड अ सर्कल। वो वाला पॉइंट स्टूडेंट हमें इस क्वेश्चन में कहा हुआ है, वो वाला पॉइंट जो सर्कल का भी है, इस पॉइंट की बात की हुई है, वो वाला पॉइंट जो सर्कल का भी है और टेंजेंट का भी है, उस कॉमन पॉइंट को हम क्या कहते थे स्टूडेंट्स? पॉइंट ऑफ कंटेक्ट। में शॉर्टकट यहां लिख रहा हूं पीओसी, आपने लिखना है पॉइंट ऑफ कंटेक्ट। तो आपने डेफिनेशन पढ़ी थी पॉइंट ऑफ कंटेक्ट, कॉमन पॉइंट ऑफ अ सर्कल एंड टेंजेंट टू अ सर्कल। ऐसा पॉइंट जो सर्कल का भी हो और टेंजेंट का भी हो, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंटेक्ट। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो गया है कंप्लीट। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा हुआ है स्टूडेंट्स? अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल। सर्कल बना लेते हैं स्टूडेंट्स, अब करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी, एक टेंजेंट है जिसका नाम है पी क्यू,
एट पॉइंट पी, ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने टेंजेंट ड्रा कर लिया, इसका नाम है पी क्यू एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा है और टेंजेंट का नाम है पी क्यू, पी क्यू इज अ टेंजेंट एट पॉइंट पी, पी क्यू इज अ टेंजेंट एट पॉइंट पी, कौन से पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा है, पी पॉइंट के ऊपर, तो मैंने यहां लिख दिया पी, अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ऐसे सर्कल के ऊपर जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है हमें 5 सेंटीमीटर, ओके, मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ, ओके सेंटर सर्कल का ओ एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ओ से लेके क्यू तक का जो हमें डिस्टेंस दिया हुआ है ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ओके द लेंथ पी क्यू इज, ये पी से लेके क्यू की लेंथ कितनी होगी हमें ये पूछा हुआ है क्वेश्चन में, आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, आई रिपीट, टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी, तो इस पॉइंट का नाम पी होगा, रेडियस हमें दिया हुआ था 5, सेंटर का नाम दिया था O, फिर बोला हुआ था O क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ PQ, हमें इस PQ की लेंथ निकालनी है। स्टूडेंट्स अगर PQ एक टेंजेंट है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस क्या होता है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर, तो ये कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का, सबसे पहले लाइन सॉल्यूशन में मैं लिखूंगा हियर OP इज परपेंडिकुलर ऑन PQ, ओके स्टूडेंट जो OP है वो परपेंडिकुलर है PQ ऊपर, PQ के ऊपर रीजन होगा थ्योरम नंबर 10.1, स्टूडेंट्स आपने थ्योरम की कंप्लीट स्टेटमेंट लिखनी है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जब भी हम रेडियस ड्रॉ करते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ओके स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स ये परपेंडिकुलर है तो पी ओ क्यू कौन सी ट्राइंगल बन गई, राइट एंगल ट्राइंगल, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ देयर फोर पी ओ क्यू इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ओके स्टूडेंट्स, अगर POQ एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम राइट एंगल ट्राइंगल में PGT तो यूज कर सकते हैं, हमें मालूम है, तो हम लिखेंगे यूज पाइथागोरस थ्योरम, यूज PGT, तो क्या 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 है स्टेटमेंट PGT की, x स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज यहां पे दिए 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस हमारे पास है यहां पे PQ का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 5 का स्क्वायर, 12 square is 144 equal to PQ square keep as it is, 5 square is 25, RHS में 25 plus का equal to के पीछे लाएंगे तो minus हो जाएगा, 144 minus 25 is equal to PQ का square, थोड़ा ले चलते हैं ऊपर इसको, इन दोनों को subtract करेंगे, 144 को में से 25 निकालेंगे तो आ जाएगा 119 is equal to PQ का square, square को पीछे लाएंगे तो आएगा root with plus minus sign, प्लस माइनस रूट 119 इज इक्वल टू पी क्यू, तो स्टूडेंट्स हमने पी क्यू निकाल दिया, आपको दिख रहा है पी क्यू तो एक साइड है ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल की साइड तो नेगेटिव कभी हो नहीं सकती है, तो आंसर हमारे पास कौन सा होगा, पॉजिटिव वाला, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पी क्यू को जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव 119 आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, तो रूट अंडर 119 किसी के फैक्ट्स के नहीं होता, इसको एज इट इज रूट के अंदर रखें, हमारे पास स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में कुछ ऑप्शन भी दिए हुए थे, तो ऑप्शन नंबर ए था 12, बी 13, सी 8.5, डी था रूट 119, कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, तो यहां पे लिख देता हूं मैं ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओके स्टूडेंट्स, आपको जरूरी नहीं इस क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपको आएगा इस तरह का क्वेश्चन, जरूरी नहीं कि आपको ऑप्शन दिए होंगे, आपको सिंपल दिया होगा फाइंड द लेंथ ऑफ PQ, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो गया कंप्लीट, स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, ड्रॉ सर्कल, सबसे पहले ड्रॉ कर लेते सर्कल, कर लिया जी ड्रॉ सर्कल, ओके ड्रॉ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन, दो लाइन ड्रॉ करनी है जो गिवन लाइन के पैरेलल होनी चाहिए, सबसे पहले मैंने गिवन लाइन ड्रॉ कर ली, सपोज कर लो ये है गिवन लाइन, इसका नाम देता हूं मैं गिवन लाइन, I repeat the question, draw a circle, circle हमने draw कर लिया, and two lines, और दो line draw करनी है, जो parallel होनी चाहिए given line के, तो हमें क्या पता कौन सी given line है, तो हमने एक given line draw कर ली, ठीक है students, अब जो हमने दो line draw करनी है, वो parallel होनी चाहिए given line के, ठीक है, अब कौन सी दो parallel lines है, such that one is tangent and the other secant to the सर्कल, अच्छा जो बाकी की जो दो लाइंस है उसमें से एक है टेंजेंट और एक है सिकेंट टू अ सर्कल, टेंजेंट तो मैंने ये लाइन ड्रा कर दी टेंजेंट, ठीक है स्टूडेंट्स, अ लाइन टच द सर्कल एट वन पॉइंट, तो ये हो गई हमारे पास टेंजेंट और ये हो गई हमारे पास सिकेंट, अ लाइन टच द सर्कल एट टू पॉइंट, इसका नाम क्या हो जाएगा सिकेंट, सिकेंट, ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में क्या कहा होता है,
दो लाइन ड्रा करें, दो लाइन ड्रा करें जो पैरेलल होनी चाहिए गिवन लाइन की। तो पहले मैंने गिवन लाइन ड्रा की और वो जो दो लाइन भी ड्रॉ की जो गिवन लाइन के क्या है, पैरेलल है, क्वेश्चन में कहा हुआ था। और वो जो दो लाइन है उसमें से एक का नाम है टेंजेंट और एक का नाम है सिकेंट। कहने का मतलब ये तीनों लाइनें क्यों होनी चाहिए, आपस में पैरेलल होनी चाहिए, तो हमने पैरेलल ही तो ड्रॉ की है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया कंप्लीट, इट मींस एक्सरसाइज 10.1 आपकी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।